दोस्तों आज हम बात करेंगे इनके बारे में कि इन्होंने क्यों यूट्यूब छोड़ दिया। सो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इनको तो आप पहचानते होंगे, ये है संदीप महेश्वरी। इनका यूट्यूब चैनल पे 20 मिलियन सब्सक्राइबर है। क्या आपको पता है कि इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है? इसका रीज़न जानते हैं आप? नहीं जानते, मैं बताता हूँ आपको। इनसे एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपका चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं है, तो इन्होंने इसमें जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई व्यूअर्स को ऐड की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो। चाहे तो वो बहुत पैसा कमा सकते थे अपने ऐड से, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, इसीलिए वो अभी 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट यूट्यूब चैनल बन गए। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। कुछ दिन पहले यूट्यूब ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें कि था राइट टू मोनेटाइज ऑल कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब यूट्यूब ये बताता है कि यूट्यूब के सारे वीडियो पे वो ऐड चला सकता है, लेकिन ऐड का पैसा उनको ही मिलेगा जिसका चैनल मोनेटाइज है, और बाकी पैसा एड्स का वो यूट्यूब के पास जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया संदीप मोशरी सर को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एड्स की वजह से उनके व्यूअर्स को किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो। तो उन्होंने YouTube इंडिया को एक ओपन लेटर भेजा जिसको उन्होंने अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है। उस पर लिखा था कि मैं YouTube को कुछ पेमेंट दे सकता हूँ, लेकिन अब मेरे व्यूअर्स को ऐड मत दिखाओ। बट YouTube ने इसको साफ रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म खोल डाला जिसका नाम था SMTV, संदीप मोशरी .tv। उन्होंने इसको अपने YouTube चैनल पे भी पोस्ट किया है, 100% फ्री फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एंड सब्सक्रिप्शन, जिस पर कि कोई एड्स और सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप रीज़न समझ ही गए होंगे क्यों संदीप मोशरी सर ने यूट्यूब को छोड़ दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगला वीडियो का टॉपिक क्या है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।